नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। AIS अधिकारी अरुण गोयल ने चुनाव आयुक्त का पदभार संभाल लिया है। गोयल 1985 बैच के पंजाब कैडर के अधिकारी रहे हैं। वो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे के साथ चुनाव आयोग का हिस्सा होंगे और केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने गोयल की नियुक्ति की जानकारी दी है। आपको बताते चलें कि सुशील चंद्र मुख्य चुनाव आयुक्त के पद से मई से ही सेवानिवृत्त हैं और इसके साथ ही आपको बता दें कि उनके स्थान पर ही राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं और अरुण गोयल ने अपनी सेवानिवृत्ति से 40 दिन पहले ही त्याग पत्र दे दिया था। वो कई सालों से केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर थे और अभी प्रधानमंत्री कार्यालय में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं। उन्हें 31 दिसंबर 2022 को रिटायर होना था, लेकिन उनके इस्तीफे को पंजाब और केंद्र सरकार ने एक ही दिन में स्वीकार कर लिया गया और अरुण गोयल को अगले महीने होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव के बीच चुनाव आयुक्त के रूप में ही नियुक्त किया गया है। गुजरात चुनाव से पहले ये एक अहम कदम माना जा रहा है। उससे पहले आपको बता दें कि गुजरात की 182 सदस्यीय विधानसभा के लिए दो चरणों में चुनाव कराए जा रहे हैं। वोटिंग 1 और 5 दिसंबर को होगी और रिजल्ट 8 दिसंबर को आएंगे। MP में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 23 नवंबर को प्रवेश कर रही है और इससे पहले ही पार्टी विवादों में घिर गई है। आपको बताते चले कि कांग्रेस के कद्दावर नेता और विधायक उमंग सिंघार पर महिला ने रेप का आरोप लगा दिया है और इसके बाद पुलिस ने रेप का केस दर्ज कर लिया है। उमंग सिंघार गुजरात चुनाव में सह प्रभारी भी हैं और साथ ही कमलनाथ की सरकार में वो मंत्री भी रहे हैं। MP के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने FIR की पुष्टि की है। उनके खिलाफ महिला ने धार जिले में मामला दर्ज करवाया है। कहा जा रहा है कि विधायक ने महिला से पिछले साल ही शादी की थी, वो उनकी पत्नी भी हैं। केस करने वाली महिला कांग्रेस पार्टी में पदाधिकारी भी है और MP के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने यह भी कहा है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और गुजरात चुनाव में सह प्रभारी मध्य प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री और विधायक उमंग सिंघार के खिलाफ धार के नौगांव थाने में 38 वर्षीय एक विवाहित महिला ने दुष्कर्म की पुष्टि दर्ज करवाई है और पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। महिला ने आरोप लगाया है कि PWD कार्यालय के पीछे विधायक निवास में उमंग सिंघार ने नवंबर 2021 से लेकर 18 नवंबर 2022 के दुष्कर्म किया है और इसके साथ ही मारपीट कर अभद्र व्यवहार भी किया है। बिहार के वैशाली जिले में रविवार की देर शाम भीषण सड़क हादसे में 7 बच्चों समेत 15 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग घायल भी हो गए हैं। तेज रफ्तार ट्रक ने कई लोगों को रौंद दिया है। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि हाजीपुर महनार मुख्य मार्ग पर देसरी थाना क्षेत्र में नया गांव टोला के पास ये बड़ा हादसा हुआ है। पास के ब्रह्म स्थान में ही भुइया बाबा की पूजा करने के लिए बड़ी संख्या में लोग जमा हुए थे और उसी दौरान तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक भीड़ को ही रोंदते हुए आगे जाकर पेड़ से टकरा गई और बताया ये भी जा रहा है कि ट्रक चालक नशे में था और घटना पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि वैशाली के देसरी थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक द्वारा बच्चों सहित कई लोगों को कुचलने की घटना से मर्माहत हूँ और मृतकों के परिजनों की प्रति गंभीर जो उन्होंने संवेदना है वो भी व्यक्त की है और इसके साथ ही उन्हें 5-5 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने का भी कहा गया है और घायलों के समुचित इलाज के लिए भी निर्देश दिया गया है। उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना है और घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी और चीख पुकार मच गई। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया जिसमें कई की हालत गंभीर बताई गई है। मृतकों में 6 और 8 साल के बच्चे भी शामिल है। जानकारी के अनुसार घटना महनार हाजीपुर मुख्य मार्ग पर देसरी थाना क्षेत्र के नया गाँव टोला के पास हुई है और एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बस्ती में जा घुसा और ट्रक ने यहां पूजा कर रहे करीब लोगों को रौंद दिया है और वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और घायलों को जिला अस्पताल भी पहुंचा दिया है।
श्रद्धा हत्याकांड मामले की जांच सीबीआई से कराने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई गई है। यह याचिका एक वकील की तरफ से लगाई गई है। याचिका में कहा गया है कि श्रद्धा हत्याकांड 6 महीने पहले हुआ था, ऐसे में मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए, क्योंकि दिल्ली पुलिस में प्रशासनिक कर्मचारियों की कमी और आधुनिक और वैज्ञानिक उपकरणों के अभाव की वजह से साक्ष्य जुटाने में दिक्कत हो रही है और जिसकी वजह से जांच भी प्रभावित हो रही है। पुलिस के मुताबिक श्रद्धा वाकर की हत्या उसके लिव इन पार्टनर आफताब ने 18 मई को की थी। इसके बाद शव के 35 टुकड़े करके दिल्ली के मेहरोली के जंगलों में फेंक दिया गया था। मामला का खुलासा तब हुआ जब श्रद्धा के दोस्तों की उससे कई दिनों से ही बात नहीं हुई और जिसके बाद से दोस्तों की शिकायत पर श्रद्धा के पिता ने पालघर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई और जांच में पालघर पुलिस को श्रद्धा की आखिरी लोकेशन दिल्ली में मिली थी और जिसके बाद मामले को लेकर ही दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर कर दिया गया था। दिल्ली में एमसीडी चुनाव को बहुत कम समय बचा है और इसे देखते हुए राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज होती हुई नजर आ रही है और इसी क्रम में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आम आदमी पार्टी का नया कैंपेन केजरीवाल की सरकार केजरीवाल के पार्षद लॉन्च किया है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार हमला किया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के ताबड़तोड़ रोड शो करने पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। सिसोदिया ने बताया है कि इस नए कैंपेन के तहत आम लोगों से वोट मांगे जाएंगे और बीजेपी पर निशाना साधते हुए सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी ने नगर निगम की मूल जिम्मेदारी पर कोई काम नहीं किया है। 15 साल में बीजेपी अपना एक काम नहीं गिना पा रही है और बीजेपी नेताओं की हिम्मत नहीं है कि 15 साल के काम पर वोट मांग सकें, इसलिए बीजेपी अरविंद केजरीवाल को गाली देकर वोट मांग रही है। और भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए सिसोदिया ने साफ कर दिया कि बीजेपी के उम्मीदवार भी ऐसे हैं तो केजरीवाल के घर जाकर तोड़फोड़ करते हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि 14 रोड शो में एक भी जगह क्या किसी नेता ने ये बताने की हिम्मत की कि 15 साल में क्या काम किया या आगे क्या करेंगे। सिसोदिया ने ये भी कहा कि सुबह से शाम तक बीजेपी काम यही है कि मनोहर कहानियां सुनाते रहो। दिल्ली में इस वक्त एमसीडी में भी केजरीवाल की गूंज चल रही है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल जी को जब हमने मौका दिया तो उन्होंने खूब काम कराए, अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली की सरकार चलाने का मौका दिया तो दिल्ली में दिल्ली सरकार की जो जिम्मेदारी थी, स्कूल बनवाना, अस्पताल बनवाना, बिजली 24 घंटे करना, ट्रांसपोर्ट ठीक करना, पानी पे काम करना, सड़कों पे काम करना, ये सब काम खूब किए केजरीवाल जी ने, खूब काम किए। लेकिन बीजेपी को नगर निगम चलाने का जब मौका दिया तो बीजेपी को एमसीडी की जो मूल जिम्मेदारी थी 15 साल में, उस पर भाजपा ने कुछ नहीं किया। आज आम आदमी पार्टी के काम गिनाने के लिए कहीं भी खड़े हो जाओ जनता के बीच में, खूब लोग काम गिनाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के काम के बारे में बात करो तो 15 साल में जनता भारतीय जनता पार्टी का एक भी काम नहीं गिनाती। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लैंसलॉन्ग पहुंचे हैं। उन्होंने राजकीय महाविद्यालय जहरी खाल के स्वर्ण जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। आपको बताते चले कि सीएम धामी के साथ ही लैंस जॉन विधायक महंत दिलीप और यमकेश्वर विधायक रेणु बिष्ट भी मंच पर मौजूद रहे। सितारगंज में अस्पताल में उपचारधीन युवक की मौत के बाद परिजन ग्रामीण के साथ ही शव को लेकर कोतवाली जा पहुंचे और उन्होंने कोतवाली के बाहर शव रखकर घंटों सड़क में जाम लगा दिया और परिजन मामले में नामजद आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस दौरान हिंदू संगठनों से जुड़े कुछ लोग भी आक्रोशित नजर आए। आपको बता दें सितारगंज से खबर है जहां पर युवक की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया। बता दें आपको कि युवक की मौत इलाज के दौरान हुई थी, जिसके बाद शव रखकर परिजनों और ग्रामीणों द्वारा जमकर हंगामा किया गया है। वहीं मृतक की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है।
और इसी खबर पर सितारगंज से संवाददाता दीपक भारद्वाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, जिस तरह से मामला सामने आया है, लोग परिजन जो है मृतक के वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि सितारगंज से खबर है जहां पर लोगों ने शव को रख कर प्रदर्शन किया है। इलाज के दौरान युवक की मौत हुई थी, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीण नजर आए हैं और रात के समय में ही ये प्रदर्शन किया गया है। बता दें आपको कि ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखा गया है और इसके साथ ही परिजनों का ही रो रो कर बुरा हाल है। और इसी खबर पर सितारगंज से संवाददाता दीपक भारद्वाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, जिस तरह से मामला सामने आया है, शव रख कर परिजनों ने प्रदर्शन किया है, पूरा मामला क्या है विस्तार से बताइए। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, सितारगंज क्षेत्र में पास में एक गाँव पड़ता हल्दुआ, वहाँ पे जो है एक व्यक्ति को भी कुछ दिन पूर्व जो है वहाँ पे खूब पिटाई की गई थी। उसके बाद जो है अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया था, उसके बाद जो है हल्द्वानी के लिए उसे रेफर कर दिया गया था। कल जो है उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद जो है उनके जो है साथ के लोग सभी इकट्ठे होकर सितारगंज कोतवाली पे धरने पर बैठ गए और जो है रात को लगभग 2:30 बजे तक वहाँ बैठे रहे और प्रशासन ने जो है फिर भी उनकी नहीं सुनी और जो है कोई उसमें जो है उनकी जो मांग थी कि इसमें मुकदमा लिखा जाए और मुकदमा नहीं लिखा गया। अभी भी जो है उसमें जो है वार्ता चल रही है, सबको जो है गुरुद्वारे में रखा गया है। जी दीपक, जिस तरह से परिजन हंगामा कर रहे हैं और किस लिए हंगामा किया जा रहा है, ये सब क्या इसके पीछे वजह बताई जा रही है और इसके साथ ही क्या पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची थी हंगामे के दौरान? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये सब लोग वहाँ पे इकट्ठे होके पहुंचे थे। पुलिस प्रशासन आला अधिकारी पूरे उधम सिंह नगर की पुलिस जो है मौके पे पहुंच गई। एसएसपी, एएसपी, कुमायूं कमिश्नर, ये सब जो है मौके पे पहुंच गए हैं। उसको जो है मामले को समझाया भी उनको गया है, लेकिन वो जो पीड़ित लोग हैं वो लोग नहीं मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब तक इसमें जो है मुकदमा नहीं लिखा जाएगा, हम लोग जो है यहाँ से जो है सबको जो है नहीं हटाएंगे और जो है इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई तो इसके खिलाफ जो है पूरे शहर को बंद कर देंगे और जो है जगह जगह जाम लगाएंगे। जी, और परिजनों का क्या कुछ इस पर बयान सामने आया है दीपक? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, परिजनों का जो बयान सामने आया, परिजनों ने यही कहा है जब तक जो हमारी जो मांग मतलब यही है कि इसमें जो मुकदमा दर्ज किया जाए और उनको गिरफ्तार किया जाए। पुलिस जो है बिल्कुल भी जो है वहाँ पे उनको गिरफ्तार करने के लिए नहीं जा रही है। इसमें कुछ भाजपा के बड़े नेता है, उनके दबाव में जो है ये हुआ है, लेकिन पुलिस प्रशासन जो है तट से मत जो है बिल्कुल नहीं हो रही है। जी दीपक, फिलहाल इलाके में किस तरह का माहौल देखने का मिल रहा है, क्या लोग दहशत में नजर आ रहे हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा, जी सितारगंज क्षेत्र में जो कोतवाली का जो एरिया पड़ता है, नकलिया का जो पूरा रोड पड़ता है, पूरा बंद है। यहाँ पे जो है कोई भी जो है ड्रग की वजह से यहाँ पे नहीं आ रहा है, कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है, क्योंकि पुलिस प्रशासन काफी मुस्तैद है और जो है इसमें जो है कोई भी जो है सुन नहीं रहा है। जगह जगह यहाँ पे सब गाँव के लोग इकट्ठे हो गए हैं, पूरे सितारगंज में काफी भीड़ भाड़ का इस टाइम पे माहौल बना हुआ है। जी दीपक, पुलिस प्रशासन इस बार इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रही है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, पुलिस प्रशासन से वार्ता की गई थी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने ऐसा कोई स्पष्ट अभी जवाब नहीं दिया है। उन्होंने कहा है कि अभी हमारी जो है वार्ता चल रही है, लेकिन जब वार्ता चल जाएगी, वार्ता अगर उनसे हो पाएगी, उसके बाद जो ही हम आप लोगों को बता पाएंगे। जी दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। उत्तरकाशी माँ गंगे शीतकालीन प्रवास मुखवा में लोक निर्माण द्वारा और ठेकेदारों ने मुखवा जाने का मार्ग एक छोटा सा पुलिया का कार्य होना है, जिसके कारण ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि ठेकेदारों ने जेसीपी के माध्यम से ही मार्ग को खोद दिया गया और 4 दिन बीत चुके हैं, पर इस पर अभी भी कार्य शुरू नहीं हुआ है, जिसके कारण उनका शीतकालीन के लिए ही खाद्य आपूर्ति, तमाम प्रकार की सामग्री को शीतकालीन के लिए स्टॉक करना था, जिसके कारण उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं एक तरफ माँ गंगे पुजारी का कहना है कि पर्यटक मंत्री शीतकालीन यात्रा को बेहतर बनाने की प्रयास में लगे हुए हैं, और वहीं मुखवा अगर मोटर मार्ग की बात करें तो लोक निर्माण और ठेकेदारों द्वारा मार्ग को कार्य करने के लिए क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, और वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले इन्हें दूसरा वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था बनानी थी, जिसके कारण यात्रियों को बिना दर्शन करे वापस ना लौटना पड़ता और जिस कारण शीतकालीन यात्रा पर माँ गंगे के
स्थान में ही रोक लगी हुई है। वहीं मंदिर कर्मचारी और ग्रामीण सरकार से इस मोटर मार्ग को बेहतर और तुरंत मार्ग को सुचारू होने की मांग कर रहे हैं। शीतकालीन यात्रा तो उत्तराखंड सरकार जो है पूरा जोर दे रही है कि शीतकालीन यात्रा जो है यहाँ जो है आरंभ किया जाए, परंतु नीचे जो है धरातल पे वो बिल्कुल नहीं देख रही है। यहाँ पे जो है हर्षिल से और मुखवा के बीच में जो मार्ग है वो जो है PWD द्वारा जो है जानबूझकर क्षति किया गया है और उसके एवरेज में जो है कोई भी वैकल्पिक मार्ग भी नहीं दिया गया है, जिससे जितने भी श्रद्धालु इतनी दूर दूर से आए, कोई दिल्ली से आ रखा है, कोई राजस्थान से आ रखा है, कोई तमिलनाडु से आ रखा है, वो श्रद्धालु जो है बहुत परेशानी से गुजरते हुए यहाँ मुखीमठ मंदिर तक पहुँच पा रहा है। और इसी खबर पर उत्तरकाशी से संवाददाता सुमित कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, जिस तरह से मामला सामने आया है कि पुल का निर्माण ठीक से हुआ भी नहीं और लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो शीतकालीन यात्रा भी अब यहाँ पर प्रारंभ हो चुकी है मागंजी के शीतकालीन प्रवास मुखवा में, तो यहाँ पर एक जो मोटर मार्ग है 3 किलोमीटर मोटर मार्ग है उसमें एक पुल का निर्माण होना था। तो जहाँ पर ठेकेदार और या PWD की लापरवाही कह सकते हैं, उन्होंने यहाँ पर वैकल्पिक मार्ग नहीं छोड़ने के कारण यहाँ पर वो मार्ग क्षतिग्रस्त कर दिया है, जिसके ग्रामीणों और पूजा कर्मचारियों को काफी दिक्कतें हो रही है। जो यात्रियां जो आ रही है यहाँ पर, अभी शीतकालीन का जो सामग्री होती है, खाद्य आपूर्ति जो होती है वो अभी तक लोगों ने नहीं ले पाए, क्योंकि यहाँ पर जो मार्ग के जो कारण है उन्हें काफी दिक्कतें हो रही है। तो यहाँ पर जो पूजा हमारी बात जब उनसे हुई, पूजा जो माँ गंगे की पुजारी है उनसे बात हुई, तो उन्होंने साफ तौर पर यहाँ पर पर्यटक मंत्री को निशाना साधा है कि उन्होंने कहा है कि यहाँ एक तौर पर्यटक मंत्री शीतकालीन यात्रा को काफी बढ़ावा देने की प्रयास कर रहे हैं और दूसरी ओर यहाँ पर ठेकेदार और PWD द्वारा यहाँ पर मार्ग को क्षतिग्रस्त कर दिया है, जिसके कारण जो यात्री है बिना ही दर्शन करे मुखवा गांव से वापस हो रही है। और काफी नाराजगी उन्होंने भी जताई, क्योंकि अभी जो शीतकालीन का जो खाद्य आपूर्ति वो भी लोगों ने अभी तक नहीं ले पाया है, जिसके कारण उन्हें काफी दिक्कतें हो रही है। तो इसके कारण उन्हें PWD से काफी नाराजगी और यहाँ पर जताई जी। जिस समय से ग्रामीण क्या कुछ कह रहे हैं कि उन्हें मार्ग चाहिए था पहले, उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि अगर ये कार्य होना था तो शीतकालीन जो यात्रा है, जो दर्शन के लिए लोग यहाँ पर मुखीमठ में आ रहे हैं, कुआ में आ रहे हैं, तो यहाँ पर ग्रामीणों का ये कहना है कि हम 2-3 किलोमीटर अपने सामान के लिए पैदल जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अगर काम को आगे जल्दी बढ़ाना था तो हमने उन्हें समय भी दिया था कि आप जल्दी से काम को सुचारू कर सकते हैं, क्योंकि 5 दिन हो चुके हैं अब यहाँ पर काम का कोई ठंड नहीं दिख रहा है, काम का कोई वो नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी काम पर कोई यहाँ पर काम हो ही नहीं रहा। तो इस कारण ग्रामीणों की काफी नाराजगी है, 4 दिन में कुछ काम तो उनका हो जाता, जिसके कारण ग्रामीण नाराज है ठेकेदारों से और लोक निर्माण विभाग से। जी जी सुमित, जिस तरह से बताया जा रहा है कि रास्ते से कई लोग गुजरते भी हैं, तो किस तरह का सामना उन्हें करना पड़ रहा है? क्या इस रास्ते से स्कूली बच्चे भी गुजरा करते हैं? जी बिल्कुल, स्कूली बच्चे की बात की जाए या जैसे कोई जिला स्तर के लिए अपने कार्य के लिए जा रहे हैं, तो ये मोटर मार्ग है, सामान भी यहाँ से ले जाना पड़ता है, तो उन्हें काफी दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। यहाँ पर सामान की कोई सुविधा नहीं है, कैसे वो पहुँचा रहे हैं, तो उन्हें जैसे नीचे जाना हो तो उनका एक दिन सामान ही ले जाने में वहाँ पर दिक्कतें हो रही। तो सबसे बड़ी दिक्कत यह है क्योंकि शीतकालीन है, अब बर्फबारी भी यहाँ पर पहाड़ों पर चालू हो चुकी है, तो उनका जो शीतकालीन जो सामग्री होती है खाद्य आपूर्ति वो जमा करनी पड़ती है, तो उसके कारण काफी दिक्कतें ग्रामीण को रही है। जी सुमित, जिस तरह से पुल का निर्माण नहीं हो पाया है, तो इससे कोई बड़े हादसे होने की भी ऐसे गुंजाइश लगाई जा रही है? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो ये बिल्कुल JCB के माध्यम से इसको खोद दिया गया है और यहाँ पर ना कोई यहाँ पर कोई कर्मचारी है इनका या ना कोई ठेकेदारी परपथ पे है जो इसको देखे यहाँ पर काम करें, तो यहाँ पर जंगली जैसे जानवर है, गाय बछड़े हैं किसी के, वो चूमने के लिए जाते, तो अगर फंस सकते हैं इसमें, गिरेंगे तो उनको काफी बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है, और स्कूली बच्चे भी पैदल जाते हैं तो क्योंकि काफी दिक्कतें हैं, क्योंकि यहाँ पर एक झरना भी है, बिल्कुल झरने के स्तर पर ये पुल का निर्माण हो रहा है। जी जी सुमित, फिलहाल ग्रामीण क्या मांग कर रहे हैं?
ग्रामीणों की साफ तौर पर ये मांग है कि क्योंकि अब शीतकालीन जो यात्रा है उसके लिए भी नाराज है पुजारी कर्मचारी मंदिर कर्मचारी और ग्रामीण, इसलिए नाराजी ग्रामीण कह रहे चलो आप मार्ग अपना ही है अगर इस पे लेट हो जाए कोई बात, पर जेसीबी से 4 दिन 5 दिन हो चुके हैं पर यहाँ पर कोई निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ जिसके कारण उन्होंने पीडब्ल्यूडी और ठेकेदारों से काफी नाराजगी उन्होंने जता रखी है। जी जी सुमित बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। रायवाला स्थित आर्मी स्टेशन में भारतीय सेना के स्टेशन मुख्यालय के आयोजन पर पूर्व सैनिकों और विधवाओं वीर नारियों और उनके परिजनों की समस्याओं के समाधान और सेना द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं की जानकारी आदान प्रदान करने के उद्देश्य से एक दिवसीय सेना रैली का आयोजन किया गया और रैली का शुभारम्भ माउंटेन आर्टिलरी ग्रेडर के कमांडर ब्रिगेडियर योगेश यात्रा और इसके साथ ही आपको बता दें कि FWD के चेयरपर्सन अंजलि बत्रा ने दीप प्रज्वलित करने के बाद किया है और इस मौके पर ही ब्रिगेडियर योगेश बत्रा ने कहा है कि भारतीय सेना राष्ट्र की सुरक्षा के साथ साथ अपने पूर्व सैनिकों उनकी विधवाओं और वीर नारियों के अलावा वरिष्ठ नागरिकों को सुविधा जो है सभी सुविधाओं के अलावा उनके अच्छे स्वास्थ्य और बेहतर आर्थिकी का भी ख्याल रखने का काम बखूबी कर रही है और इसी संदर्भ में आज इस रैली का आयोजन किया गया है। रैली में कई बैंकों सेना अस्पताल का मेडिकल और सैनिक कल्याण बोर्ड और उपनल खादी उद्योग राजस्व विभाग सहित दर्जनों विभागों और संस्थाओं के कैंप भी लगाए गए हैं जिसमें संबंधित कैंप में पूर्व सैनिक की समस्याओं का निदान किया गया है और सेना रैली में ही 9 पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों को विजय राहत कोष के 10,000 रुपए की धनराशि के चेक प्रदान किए गए हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 ऑर्डर जो पब्लिश कर रहे हैं ये सब के लिए ये लोग काम कर रहे हैं, अपना समय निकाल के दुनिया के भलाई के लिए वो लोग आए हैं, इसके लिए बहुत काम भी हो भी रहा है। चमोली में आयोजित होने वाले 7 दिवसीय उत्तराखंड का सुप्रसिद्ध और ऐतिहासिक 70वें राजकीय औद्योगिक विकास और सांस्कृतिक मोचक गोचक रेला में ही यूं तो बहुत कुछ दिखाने को बताने को है जिसे हम आप लोगों को समय समय पर बताते और दिखाते आ रहे हैं और इस मेले के विशाल सांस्कृतिक मंच पर दशकों से राज्य और देश की नामी गिरामी कलाकार गायक हस्तियां अपनी कला से लोगों का मनोरंजन कर खूब वाहवाही भी बटोरने में लगे हुए हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे स्थानीय स्कूल के नन्हे मुन्ने बाल कलाकारों की जिन्होंने अपनी गीत संगीत और नृत्य कला के शानदार अभिनय सबको मंत्रमुग्ध कर दिया है और इसके साथ ही उन्होंने पुरस्कार भी जीते हैं। उत्तराखंड के चमोली में गोचर मेला के विशाल मंच पर ही संस्कार द स्कूल के छात्र छात्राओं ने डॉक्टर हरिकृष्ण वैष्णव चल विजयंती प्रतियोगिता के ही अंतर्गत लोक नृत्य विधा के ही जूनियर वर्ग के में प्रथम स्थान प्राप्त कर विद्यालय और जिले का जो नाम है वो रोशन किया है और जिसमें विद्यालय के बाल कलाकारों को प्रतीक चिन्ह और गोल्ड मेडल और प्रमाण पत्र से नवाजा गया। विद्यालय के शिक्षकों और स्टाफ ने विद्यालय के बच्चों की तारीफ की है और उन्हें इस उपलब्धि पर बधाई भी दी है। मेरे को मतलब हम में से किसी को भी ये नहीं था कि हम फर्स्ट आएंगे ऐसा कुछ होगा और इतना अच्छा लग रहा है, मतलब इतना अच्छा हमने कभी नहीं सोचा था ऐसा होगा और बहुत अच्छा लग रहा है जीत के, बहुत खुशी हो रही है और इनफैक्ट यहाँ पे सभी हैं तो सबके साथ और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कभी इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। और गाना हमारा बहुत प्यारा था, 2 गाने हमारे मिक्स थे, हमारा पहले वाला हमारा गाना था धारमा और ख्याली फिर चौडाडियों बतौचा और दूसरा गाना हमारा था यंसू लग्यू खुटियों माँ दिरास नरो पिचोला और बहुत प्यारा गाना भी सिंगर्स ने गाया और हमने भी डांस बहुत अच्छा किया।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।